हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पता हो तो अभी हाल ही में सभी कंपनियां अपनी न्यू कार को मार्केट में लॉन्च कर रही है। इसी की वजह से मारुति भी है मार्केट में पकड़ बनाए रखने के लिए अपनी काफ़ी सारी नई कार को 2020 में लॉन्च करने वाली है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मारुति है 2020 में कौन कौन सी कारों को लॉन्च करने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर वन पे आने वाली कार। तो नंबर वन पे आ जाती है मारुति की ग्रैंड विटारा। अभी हाल ही में आपको पता हो तो प्रीमियम सेगमेंट में मारुति किया ने अपनी सेल्टस को लॉन्च किया है, एमजी ने अपनी हेक्टर को लॉन्च किया है और दोनों कार काफ़ी सक्सेस होने के वजह से मारुति भी है इस सेगमेंट में एंट्री करने वाली है। इसकी वजह से मारुति है मार्केट में अपनी प्रीमियम एसयूवी ग्रैंड विटारा को लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, ये कार में आपको काफ़ी अच्छे नए फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके एक्सटीरियर में आपको न्यू वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRL मिलने वाली है, न्यू वाली ग्रिल मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको पैरानोनेमिक सनरूफ, LED में टेल लैम्प, R60 इंच एंड R70 इंच के न्यू वाले एलॉय जैसे शानदार फीचर्स इसके एक्सटीरियर में भी आपको मिलने वाले। इसके साथ आपको 1.5 लीटर BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये आते ही मार्केट में कंप्लीट करने वाली है हुंडई की क्रेटा, किया सेल्टोस जैसी कारों को। और इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं तो दोस्तों, ये कार आपको 9 लाख से शुरू होकर 40 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज और जाने वाली है और 2020 के ऑटो एक्सपो में इस कार को पेश किया जा सकता है। अब अगर बात करते हैं अगली कार के बारे में तो नंबर टू पे आ जाती है मारुति की इग्निस फेसलिफ्ट वेरिएंट। दोस्तों, इस कार की बात करें तो मारुति है 2020 के ऑटो एक्सपो में इस कार को लॉन्च करेगा। इसमें आपको 1.2 लीटर BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसके एक्सटीरियर की बात करें तो इसके डायमेंशन में आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाले। इसके अलावा दोस्तों, इसके एक्सटीरियर में आपको न्यू वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे, न्यू वाली ग्रिल मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट में और रियर में स्कीड प्ले जैसे शानदार फीचर्स इसके एक्सटीरियर में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये कंप्लीट करने वाली है महिंद्रा की QV100, हुंडई की ग्रैंड आइटेर और मारुति की वैगनार जैसी कारों को। और इस कार के प्राइस रेंज की बात करें तो 5 लाख से शुरू होकर 6.5 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज जाने वाली है। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट की अगली कार के बारे में तो नंबर 3 पे आ जाती है मारुति की जिमनी। दोस्तों, ये कार है वो एक ऑफ रोडिंग कार रहने वाली है। इसमें आपको 1.5 लीटर BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन मिलने वाला है और इसके साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलने वाली है। और ये आते ही मार्केट में कंप्लीट करने वाली है महिंद्रा की थार के साथ। दोस्तों, इस कार के प्राइस रेंज की बात करें तो 10 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज जाने वाली है। अब अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 पे आने वाली कार तो नंबर 4 पे आ जाती है मारुति की XL5। 2019 में मारुति ने XL6 को लॉन्च करने के बाद अभी हाल ही में मारुति है XL5 को लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, ये कार है एक प्रीमियम कार रहने वाली है और ये कार है आपको मारुति के नेक्सा शोरूम से पेश की जाएगी। इस कार में आपको 1.2 लीटर BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन मिलने वाले। इस कार की प्राइस रेंज की बात करें तो ये कार की प्राइस आपको 5 लाख से शुरू होकर 7 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज जाने वाली है और 2020 के ऑटो एक्सपो में इस कार को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5 पे आने वाली कार के बारे में तो नंबर 5 पे आ जाती है मारुति विटारा बेजा फेसलिफ्ट वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, इस कार की बात करें तो इस कार में आपको काफ़ी सारे नए चेंज मिलने वाले हैं। इसके इंटीरियर में चेंज मिलेंगे, इसके एक्सटीरियर में आपको चेंज मिलेंगे। दोस्तों, इस कार में आपको न्यू वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRL मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको LED में टेल लैम्प मिलने वाले, ऊपर आपको सनरूफ मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको R60 इंच ने R50 इंच के न्यू वाले एलॉय व्हील भी मिलने वाले। दोस्तों, इस कार की प्राइस रेंज की बात करें तो ये कार आपको 7 लाख से शुरू होकर 11 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज जाने वाली है और इसमें आपको 1.5 लीटर BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। इसके साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन मिलने वाले। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन कारों में से आपको कौन सी कार ज़्यादा पसंद आई। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।